हाल ही में यूपी के अमेठी के रहने वाले आरिफ की सारस के साथ दोस्ती खूब सुर्खियों में रही थी। एक बार फिर दोनों की दोस्ती चर्चा में है। दरअसल आरिफ का दोस्त सारस से साथ छूट गया, दोनों अलग हो गए हैं। जी हाँ, वन विभाग की टीम सारस को अपने साथ ले गई। इसका वीडियो खुद आरिफ ने शेयर किया, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें, वन विभाग की टीम ने सारस को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार ले जाकर संरक्षित कर दिया गया। आरिफ ने इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे दोस्त को वन विभाग जबरदस्ती ले गया, आप लोग बचा लो प्लीज। आरिफ के पोस्ट पर सैकड़ों यूजर्स लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि वो फिर आ जाएगा आपके पास उड़कर। वहीं दूसरे ने लिखा, जब सारस जख्मी था तब वन विभाग वाले कहाँ थे। बता दे, आरिफ को ये सारस साल भर पहले एक खेत में मिला था, जहाँ उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी था। ऐसे में आरिफ ने इंसानियत दिखाते हुए सारस को अपने घर लेकर आ गए। उन्होंने उसकी देखभाल भी की। जब सारस ठीक हो गया तो उन्होंने सोचा कि ये वापस अपने साथियों के बीच चला जाएगा, लेकिन सारस ने अपनों के बीच जाने की बजाय आरिफ का साथ चुना। दोनों की पक्की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। बता दे, मोहम्मद आरिफ गौरीगंज स्थित गांव मंडखा मजरे औरंगाबाद में रहने वाले हैं। उनकी सारस के साथ इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि जब भी वे मोटरसाइकिल लेकर रोड पर निकलते थे तो सारस उनके साथ साथ कई किलोमीटर तक उड़ता था। यहाँ तक कि दोनों एक ही थाली में खाना भी खाते थे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल रिपोर्ट।